सोचो, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। उसमें अभी हम स्टडी कर रहे हैं मेंडेलिज्म की, यानी लॉ ऑफ मेंडल की, जिसमें हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे तीसरा लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ है वो मोनोहाइब्रिड रेशियो पे बेस है, ठीक है ना। मतलब मोनो हाइब्रिड मतलब वन करेक्टर, मोनो मीन्स वन करेक्टर, जिसमें मेंडल ने सिर्फ एक करेक्टर को लिया था। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कम से कम टू करेक्टर चाहिए, टू करेक्टर, क्योंकि ये जो लॉ है ये हमें बताता है कि एक करेक्टर का सेग्रीगेशन उसके दूसरे करेक्टर पे डिपेंड नहीं करता। मतलब जो गैमिट बनते हैं ना वो इंडिपेंडेंट होते हैं कॉम्बिनेशन के लिए, वो कैसे भी और किसी भी दूसरे गैमिट के साथ फ्यूज हो सकते हैं, यानी कंबाइन हो सकते हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी मोनोहाइब्रिड रेशियो में ये कैसे पता कर सकते हैं कि एक करेक्टर दूसरे करेक्टर को इफेक्ट किए बिना क्रॉस कर सकता है, उसके लिए कम से कम दो करेक्टर होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो इसीलिए इसमें लेते हैं टू करेक्टर। इसमें दो करेक्टर लिए, एक तो सीड शेप और दूसरा लिया सीड कलर। सीड शेप दो, एक राउंड और एक रिंकल। और जो सीड कलर है वो भी दो लिए, येलो एंड ग्रीन। मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो हमें बताता है कि एक एलील दूसरे एलील को हाइड कर लेता है। जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो रिसेसिव कैरेक्टर को हाइड कर लेता है। मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर की प्रेजेंस में जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो अपने आप को शो नहीं कर पाता। जैसे येलो है डोमिनेंट और ग्रीन है रिसेसिव। ग्रीन के लिए हम स्मॉल लेटर ले लेते हैं और येलो के लिए हम कैपिटल लेटर ले लेते हैं। तो इस येलो की प्रेजेंस में जो ग्रीन कलर है ना वो अपने आप को शो नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो सीड शेप है, जो राउंड है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो रिंकल है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। तो इस तरह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में टू कैरेक्टर लिए, सीड शेप एंड सीड कलर। तो दो कैरेक्टर लिए, तो जो पेरेंट जनरेशन होती है उसमें येलो एंड राउंड सीड में क्रॉस कराते हैं ग्रीन एंड रिंकल सीड के बीच, ये पेरेंट जनरेशन। तो F1 ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन में जो बनता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये बनता है हाइब्रिड। मतलब सभी येलो एंड राउंड बनते हैं, एंड राउंड सीड वाले बीज बनते हैं। ये है F1 या फर्स्ट फीलियल जनरेशन। इसमें चार तरह गैमिट बनते हैं, वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ऑन सेल्फ में इसमें चार तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, और फिर स्मॉल वाई एंड फिर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। मतलब इससे पता चलता है, इसमें देखो येलो के साथ राउंड भी है और येलो के साथ रिंकल भी है, और ग्रीन के साथ राउंड भी है और ग्रीन के साथ रिंकल भी है। मतलब एक एलील इंडिपेंडेंट है दूसरे एलील के साथ कॉम्बिनेशन के लिए, मतलब वो किसी भी तरीके से कंबाइन हो सकते हैं। जब इसमें F2 जनरेशन में जब इनमें सेल्फिंग कराते हैं तो यहाँ पे रख लेते हैं मेल और यहाँ पे रख लेते हैं फीमेल गैमिट। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर, इधर रख लेते हैं फीमेल के वर्टिकल कॉलम में। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर,
स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। जब इनमें सेल्फिंग कराते हैं तो बनता है कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। जब इसकी सेल्फिंग कराते हैं ऐसे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। फिर बनता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। फिर बनता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। फिर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। फिर बनता है कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तीसरे में कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। फिर तीसरे का कॉम्बिनेशन हमेशा ऐसे चलते हैं ऐसे, ठीक है। फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। फिर ऐसे स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। और लास्ट में बनता है स्मॉल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तो देखो ये कैपिटल वाई और कैपिटल आर यानी ये डोमिनेंट करेक्टर हैं। डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो ये येल्लो एंड राउंड सीड होगी, येल्लो एंड राउंड सीड। दूसरे में देखो ये कैपिटल वाई है, ये तो येल्लो होगा। और ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसमें एक आर कैपिटल है, इसका मतलब ये डोमिनेंट होगा क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर को हाइड कर लेता है। तो ये होगी येल्लो एंड राउंड सीड। दूसरा ये देखो ये कैपिटल है, ये स्मॉल आई है, और ये कैपिटल आर है, मतलब ये येल्लो होगा और राउंड सीड होगा। दूसरा येल्लो होगा और राउंड सीड होगा। तीसरा येल्लो होगा और राउंड सीड होगा। तीसरा येल्लो होगा लेकिन ये जो है दोनों ही स्मॉल आर है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही रिसेसिव एलील्स हैं। तो ये तो येल्लो होगा लेकिन ये रिंकल सीड होंगी। अब ये देखो ये येल्लो होगा और राउंड होगा। ये देखो ये फिर ये तो येल्लो होगा क्योंकि कैपिटल वाई है ना एक, और ये दोनों रिसेसिव करेक्टर के लिए एलील्स हैं तो ये होगा रिंकल। अब ये देखो ये येल्लो होगा और राउंड होगी सीड, ये येल्लो होगा और राउंड, और ये स्मॉल वाई है, इसका मतलब ये दोनों ही रिसेसिव एलील्स हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन सीड होंगी और राउंड शेप होगी। अब ये देखो ये भी दोनों ही स्मॉल हैं तो ये भी कैसी होगी, ग्रीन होगी। और ये चूंकि एक इसमें कैपिटल आर हो गया ना तो ये राउंड होगी। अब ये देखो इसमें येल्लो होगा और राउंड होगी, और ये येल्लो और रिंकल, और ये फिर ग्रीन और राउंड, और ये दोनों ही रिसेसिव कैरेक्टर के लिए हैं तो ये होगा ग्रीन और रिंकल। तो अब देखते हैं कितने हुए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ एंड नौ, नाइन जो है ये है येल्लो एंड राउंड सीड, ठीक है। फिर येल्लो एक एंड रिंकल एक, येल्लो एंड रिंकल दो, और येल्लो एंड रिंकल तीन, येल्लो एंड रिंकल। फिर ग्रीन एंड राउंड एक दो और तीन, एक
दो और तीन, ये होगी ग्रीन एंड राउंड, ग्रीन एंड राउंड, एक दो और तीन, ग्रीन एंड राउंड, और जो सिंगल है वो है ग्रीन एंड रिंकल, ग्रीन एंड रिंकल। तो इस तरह से एफ टू जनरेशन में जो कॉम्बिनेशन आए वो आए 9:3:3:1। मतलब अगर देखा जाए तो ये 3:1 और 3:1 का ही कॉम्बिनेशन है जो मोनोहाइब्रिड केस में था। 3 से 3 अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 9, फिर 3, 3 1 जा 3, फिर 3 मल्टीप्लाई करेंगे इससे 3 और 1 1, तो वही रेशियो है ना, 9:3, 3:3, 3:1। तो इसे देख लेते हैं एक बार। इसमें येलो सीड और ग्रीन सीड और राउंड शेप एंड रिंकल शेप लिया है, जैसे इसमें भी दिखाया गया है। वाई हमने येलो सीड के लिए लिया और स्मॉल वाई हमने ग्रीन सीड के लिए लिया, एस राउंड शेप के लिए और एस स्मॉल एस रिंकल शेप के लिए। तो ये एस एस दोनों कैपिटल हैं इसलिए राउंड और येलो होगा। ये दोनों एस एस और वाई एक कैपिटल है एक स्मॉल है, इसका मतलब ये राउंड होगा और येल्लो होगा। इसी तरह से ये राउंड और येल्लो होगा, मतलब अगर सिर्फ एक कैपिटल है तो वो डोमिनेंट फैक्टर है, ठीक है ना, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, भले ही उसके साथ हो एक रिसेसिव आल्टरनेटिव करेक्टर। लेकिन अगर दोनों ही रिसेसिव है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, क्योंकि जो डोमिनेंट करेक्टर है वो उस करेक्टर को हाइड कर लेता है, ठीक है। जैसे अगर स्मॉल वाई होगा ना और ये ऐसे होगा तो भी ये इसको प्रकट नहीं करने देता है, तो भी ये इसको हाइड कर लेता है, तो वो कैसा होगा, ग्रीन होगा और राउंड होगा, क्योंकि एक एलील तो प्रेजेंट है ना जो डोमिनेंट है, तो इसमें ही ध्यान रखना है। इसी तरह से ये रेशियो आया 9:3:3:1। तो जो फिनोटाइपिक रेशियो वो आता है 9:3:3:1, मतलब जो बाहर रूप से दिखता है, लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो अलग होता है, ठीक है। जो ग्रीन पॉड है और येलो सीड है उसके लिए जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कैपिटल जी कैपिटल वाई कैपिटल जी कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, इन सब के बनते हैं ग्रीन पोड एंड येल्लो सीड। दूसरा कैपिटल जी स्मॉल वाई कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसके लिए बनता है ग्रीन पोड एंड ग्रीन सीड। जो तीसरा कॉम्बिनेशन बनता है वो स्मॉल जी कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल जी कैपिटल वाई स्मॉल वाई येल्लो पोड एंड येल्लो सीड, और रिसेसिव स्मॉल जी और स्मॉल वाई येल्लो पोड एंड ग्रीन सीड, क्योंकि इसमें दोनों ही कैसे हैं, रिसेसिव है, ये स्मॉल वाई है, ठीक है। तो ये है फिनोटाइपिक रेशियो, मतलब जो हमें बाहर रूप से दिखता है। इसमें जो एक एलील है, एलील किसे कहते हैं, जो करेक्टर होता है उसके आल्टरनेटिव करेक्टर को कहते हैं एलील्स, ठीक है। इसमें जो जीनोटाइपिक रेशियो होता है वो अलग आता है, मतलब जीन का टाइप, ये तो क्या फिनोटाइपिक है जो हमें बाहरी रूप से दिखता है, लेकिन उनके जीन तो अलग अलग हो सकते हैं। देखो इसमें कैपिटल जी और कैपिटल वाई है तब भी ये ग्रीन पॉड येलो सीड है, जबकि इसमें कैपिटल जी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है तभी भी ये ग्रीन एंड येलो सीड है। मतलब इनका जीनोटाइप तो अलग है ना, इसका जीनोटाइप अलग है और इसका जीनोटाइप अलग है, लेकिन इनका जो फिनोटाइपिक करेक्टर है वो तो सेम ही है ना, ग्रीन पॉड एंड येलो सीड। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है, फिनोटाइपिक रेशियो वो आता है 9:3:3:1, लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो जो जीन का टाइप है वो अलग हो सकता है ना, वो होता है कैपिटल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर वो 1, फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर 2, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर ये भी 2, फिर कैपिटल वाई
स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये होते हैं फोर। फिर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल आर, ये होते हैं एक। फिर कैपिटल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, वो होता है एक। और स्मॉल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, वो होता है टू। और स्मॉल वाई और स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, वो होता है वन। यानी जीनोटाइपिक रेशियो होता है वन इज टू, टू इज टू, टू इज टू, फोर इज टू, वन इज टू, वन इज टू, टू इज टू, वन, ये होता है जीनोटाइपिक रेशियो। सो द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, द टू फैक्टर और एलील ऑफ ए करेक्टर सेपरेट आउट इंडिपेंडेंट ऑफ फैक्टर ऑफ अनदर फैक्टर एट द टाइम ऑफ गैमिटोजेनेसिस, दे ऑल्सो कम टूगेदर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। मतलब गैमिटोजेनेसिस के समय करेक्टर के जो फैक्टर हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के समय वो फिर एक दूसरे के पास आ जाते हैं, वो जो और वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट और फैक्टर, दे आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। मतलब ये अलग अलग तरीके से अपने आप को कंबाइन करते हैं जैसे जैसे भी पॉसिबल हो सकता है, इसीलिए इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। री मीन्स दोबारा, कॉम्बिनेशन मीन्स कॉम्बिनेशन। तो आज हमने देखा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें मेंडल ने बताने की कोशिश की कि एक करेक्टर के जो दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं मतलब एलील होते हैं, उनमें जब गैमिट बनते हैं तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं किसी भी एलील से कंबाइन करने के लिए। मतलब एक डोमिनेंट जो करेक्टर है उससे एक रिसेसिव करेक्टर के जो जीन है वो कंबाइन हो सकते हैं, या एक रिसेसिव करेक्टर के जो जीन है वो डोमिनेंट करेक्टर के जो जीन है उससे कंबाइन हो सकते हैं। मतलब इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें जो फिनोटाइपिक रेशियो आया वो आया 9:3:1, मतलब जो हमें बाहरी रूप से दिखता है। और जो जीनोटाइपिक रेशियो आया 1:2:2:2:4:1:2:1:2:1:2:1, ये आया इसका जीनोटाइपिक रेशियो। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद कर